Hello friend, myself Satyajit Deshmukh, head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is Introduction to PLSQL, that is unit number 4. After watching this video, you will be able to understand the following concept: advantages of PLSQL, PLSQL block structure, PLSQL data type, variable, constant. After watching this video, the following POs are mapped: PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. Introduction to PLSQL. PLSQL is a block structure language that enables developer to combine the power of SQL with procedural statement. All the statements of the block are passed to the Oracle engine all at once, which increases the processing speed and decreases the traffic. अभी तक हमने SQL लैंग्वेज पढ़ी, SQL के अलग अलग कोडिंग्स हमने पढ़े, बराबर है? तो अभी PLSQL में हमें क्या पढ़ना है, हमें SQL की जो लैंग्वेज है उसको प्रोसीजर लैंग्वेज के साथ कंबाइन करके उसका यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। इसीलिए इसका नाम भी दिया है इन्होंने PLSQL, कॉल्ड एज प्रोसीजरल लैंग्वेज विथ SQL। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज यानी कौन सी लैंग्वेज होती है, आप सभी ने सी लैंग्वेज पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, तो सी लैंग्वेज इज नथिंग बट द प्रोसीजरल लैंग्वेज। उसमें एक स्पेसिफिक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। मगर अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, वही सारे स्टेटमेंट यूज करने हैं जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़े थे, वही सारे फंक्शन हमें यूज करने हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट्स है, केस स्टेटमेंट्स है, इस तरीके से जो अलग अलग स्टेटमेंट्स आपने सी लैंग्वेज में पढ़े थे वो सारे के सारे यहाँ पे यूज होने वाले हैं। मगर उसके साथ SQL की कोडिंग भी उसमें हमें इन्वॉल्व करनी है, एम्बेड करनी है, तो इसी को हम कहेंगे PLSQL लैंग्वेज। तो ये PLSQL का एक ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम सामने पढ़ने वाले हैं, बराबर है? इस ब्लॉक स्ट्रक्चर के माध्यम से हम प्रोसीजरल लैंग्वेज को और SQL जो कोडिंग्स है, सिंटेक्स है, उनको हम मिक्स करते हैं, बराबर है? और इससे क्या होता है, हमारा जो परफॉर्मेंस है एग्जीक्यूशन का SQL लैंग्वेज का, वो क्या होता है, बढ़ता है। प्रोसेसिंग जो स्पीड है, क्यूरी एग्जीक्यूशन की जो स्पीड है, बराबर है, वो सब कुछ परफॉर्मेंस इस PLSQL के कारण क्या होती है, बढ़ता है, बराबर है। फीचर्स ऑफ PLSQL, PLSQL के फीचर्स क्या है वो देखते हैं। PLSQL इज बेसिकली ए प्रोसीजरल लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है, ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है विच प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी टू ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये कौन सी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है लैंग्वेज, डिसीजन मेकिंग की फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड कर सकती है, यानी हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इटरेशंस एंड मेनी मोर फीचर्स ऑफ प्रोसीजर, काफी फीचर्स हमें ये प्रोवाइड करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। PLSQL कैन एग्जीक्यूट अ नंबर ऑफ क्यूरीज इन अ वन ब्लॉक यूजिंग अ सिंगल कमांड। प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या करता है, नंबर ऑफ क्यूरीज को एक सिंगल ब्लॉक में एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके लिए अलग अलग ब्लॉक्स लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही ब्लॉक में हमें जो रिक्वायरमेंट है एज पर आवर रिक्वायरमेंट एंड नंबर ऑफ SQL की जो क्यूरीज है वो हम उस ब्लॉक में लिख सकते हैं और एक साथ ही वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो सकती है, सिंगल कमांड के साथ वो सारी चीजें हो सकती है। वन कैन क्रिएट अ PLSQL यूनिट सच एज अ प्रोसीजर फंक्शन पैकेज ट्रिगर एंड टाइप विच आर स्टोर इन द डेटाबेस फॉर रियूज बाय एप्लीकेशन। अगर मान लो हमने एक बार कोई फंक्शन या प्रोसीजर या पैकेज या ट्रिगर इस तरीके से कुछ भी एक बार बना लिया, आपको पता है सी लैंग्वेज जब हम पढ़ते थे तब आप उसमें फंक्शन डिक्लेयर करते होंगे, फंक्शन क्रिएट करते होंगे, उसको कॉल करते थे, प्रोसीजर हम क्रिएट करते हैं, या आप अभी थर्ड सेमेस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप प्रोसीजर पढ़ रहे हो, फंक्शन पढ़ रहे हो, पैकेज पढ़ रहे हो, ट्रिगर आप पढ़ रहे हो। तो अगर हमने एक बार ये सब कुछ बना के रखा तो हम इन सारे फंक्शन को हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं रहती, उसी फंक्शन को हम दोबारा कॉल कर सकते हैं, उसको फिर से बनाने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे बोला है रीयूज बाय एप्लीकेशन, हम उस एप्लीकेशन में उस सारे फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं। PLSQL प्रोवाइड अ फीचर्स टू हैंडल द एक्सेप्शन विच ऑकर इन द PLSQL ब्लॉक नोन एज एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी हम काम कर सकते हैं, एक्सेप्शनल हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट हमें सामने पढ़ना है, एक बहुत बड़ा कंसेप्ट और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब एक शॉर्ट में बता देता हूं, अगर यूजर हमारा एप्लीकेशन यूज करते वक्त कोई गलती करता है तो उस गलती को कहते हैं एक्सेप्शन, और उस गलती के कारण हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमें जो प्रिकॉशन लेना पड़ता है उस प्रिकॉशन को हम कहेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी अगर यूजर 0 / 5 करता है
तो 0/5 आप सभी को पता है कि ये इनफाइनाइट में चले जाता है। अगर किसी यूजर ने 0/5 किया तो इसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट में चले गया तो हमारा प्रोग्राम भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा, तो कॉल्ड एज एन एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन मैंने पता किया, अब उस एक्सेप्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। यूजर ने वो गलती की तो उसे किस तरीके से मुझे रिबॉन्ड करना है, किस तरीके से उसको मैसेज देना है, इज नथिंग बट द एक्सेप्शन हैंडलिंग, और उससे मेरा प्रोग्राम रहेगा वो प्रोटेक्ट रहेगा। एप्लीकेशन राइट एप्लीकेशन रिटर्न इन अ PLSQL आर पोर्टेबल टू कंप्यूटर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर द ओरेकल इज ऑपरेशनल। अब ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं PLSQL का, ये कैसा रहेगा, ये हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी रहेगा, किसी भी हार्डवेयर पे, कंप्यूटर हार्डवेयर पे या ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो पाएगा जहां पे ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट हो रही है। PLSQL ऑफर एक्सटेंसिव एरर चेकिंग, ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, एरर चेकिंग। अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर चेकिंग है तो वो भी सिस्टम यहाँ पे हमें फंक्शनलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ PLSQL, अब PLSQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर कैसा है वो देखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप केयरफुली आप ये ब्लॉक स्ट्रक्चर को रेफर कीजिए, इसी ब्लॉक स्ट्रक्चर को रेफर करके हमें हमारी प्रोग्राम जो सामने हमारा प्रोग्राम लिखना है हमें PLSQL का, इसी ब्लॉक स्ट्रक्चर को रेफर करके हमें करना है। तो ब्लॉक स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या आता है, सबसे पहले डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में क्या आता है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अब आपको हम इसे कंपेयर करते हैं सी लैंग्वेज के साथ, जिस तरीके से आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही यहाँ पे सबसे पहले डिक्लेरेशन सेक्शन है और यहाँ पे हमें हमारे प्रोग्राम में लगने वाले वेरिएबल और लगने वाले कॉन्स्टेंट हमें यहाँ पे क्या करने होते हैं, डिक्लेयर करने होते हैं, इसीलिए इसको बोला है डिक्लेरेशन सेक्शन, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद है बिगिनिंग, यहाँ से हमारा प्रोग्राम चालू होता है, बराबर है, जैसे सी लैंग्वेज में हम मेन से हमारा प्रोग्राम चालू करते हैं वैसे ही यहाँ पे बिगिनिंग से हमारा प्रोग्राम चालू होता है, और यहाँ पे इसके बाद हमें जो भी एग्जीक्यूट कराना है एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। हमारा एग्जीक्यूशन होने के बाद अगर इसमें कुछ एक्सेप्शनल आपको दिखता है, यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ जनरेट हो रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एक्सेप्शनल हैंडलिंग के सेक्शन में एक्सेप्शनल हैंडलिंग के स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं, जिससे यूजर जो गलती करता है वो पहले ही हमें उसको रेक्टिफाई करके उसे हैंडल करना है, और आखिरी में होता है एंड। तो इस तरीके से हमारा PLSQL ब्लॉक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देखा, तो इसी ब्लॉक स्ट्रक्चर को रेफर करके हमें सामने जाके प्रोग्रामिंग करनी है। नेक्स्ट है वेरिएबल कॉन्स्टेंट ऑफ PLSQL। अब PLSQL में कौन से वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये सभी को पता है। आपने सी लैंग्वेज में ऑलरेडी वेरिएबल कॉन्स्टेंट क्या होता है ये पढ़ा हुआ है, तो भी हम यहाँ पे रिपीट करता है, हम रिपीट करा रहे हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल का मतलब था और कॉन्स्टेंट का मतलब था, वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का हो रहा है। सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल, इन PLSQL वेरिएबल इज अ मीनिंगफुल नेम ऑफ द टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन दैट सपोर्ट अ पर्टिकुलर डेटा टाइप इन अ प्रोग्राम। एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है जो कि उसका एक डेटा टाइप हम डिफाइन करना पड़ता है, बराबर है, जब भी हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक छोटी जगह टेम्पररी जगह हम रिजर्व करके रखते हैं फॉर डेटा स्टोरेज, और उसको हम डेटा टाइप भी मेंशन करते हैं। बिफोर यूजिंग द वेरिएबल यू नीड टू डिक्लेयर इट फर्स्ट इन द डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ द PLSQL ब्लॉक। जब भी हमें इसको डिक्लेयर करना है, जब भी हमें वेरिएबल को यूज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिक्लेरेशन सेक्शन में उस वेरिएबल को हमें डिक्लेयर करना पड़ता है। यानी जैसा कि हमने PLSQL का ब्लॉक स्ट्रक्चर पढ़ा यहाँ पे डिक्लेरेशन सेक्शन, तो हम वेरिएबल को क्या करेंगे, इस जगह पे डिक्लेयर करेंगे। वैसे ही कॉन्स्टेंट के लिए, ए कॉन्स्टेंट इज अ वेरिएबल, कॉन्स्टेंट इज अ वैल्यू यूज इन अ PLSQL ब्लॉक दैट रिमेन अनचेंज थ्रू आउट अ प्रोग्राम। जब भी हम कॉन्स्टेंट डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो वो कॉन्स्टेंट की वैल्यू PLSQL के ब्लॉक स्ट्रक्चर में जब एग्जीक्यूट होता है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जब तक वो प्रोग्राम एंड नहीं होता तो उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। इट इज अ यूजर डिफाइंड लिटरल वैल्यू, ये कैसी होती है वैल्यू, यूजर डिफाइन, इसको यूजर डिफाइन करता है, कॉल्ड एज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट है डेटा टाइप ऑफ PLSQL। तो अभी PLSQL में कौन से डेटा टाइप्स है ये हम वन बाय वन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शन है। जैसा कि सबसे पहला है न्यूमरिक, न्यूमरिक एक डेटा टाइप है, न्यूमरिक वैल्यू ऑन विच अर्थमेटिक ऑपरेशन आर परफॉर्म। ये सभी को पता है कि अगर नंबर है तो हमें उसको डेटा टाइप कौन सा मेंशन करना पड़ेगा, न्यूमरिक, जो कि अर्थमेटिक वैल्यू ऑपरेशन करने के लिए हमें काम में आता है। दूसरा है कैरेक्टर, अल्फा न्यूमरिक वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द सिंगल कैरेक्टर और द स्ट्रिंग ऑफ द कैरेक्टर। अगर हमें किसी स्ट्रिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है या सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो उसका डेटा टाइप मुझे कैरेक्टर देना पड़ेगा। उसके बाद है बुलियन, लॉजिकल वैल्यू ऑन विच लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म। बुलियन आपको पता है और नॉर गेट, जो कि आप डीटी में पढ़ रहे हो उसी तरीके से हम हमारे प्रोग्रामिंग में भी बुलियन एक्सप्रेशन यूज करते हैं, तो कॉल्ड एज अ लॉजिकल, उसको हम लॉजिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं, लॉजिकल वैल्यू ऑन विच लॉजिकल ऑपरेटर आर परफॉर्म।
उसके बाद है डेट एंड टाइम। अगर डेट एंड टाइम हमें मैनेज करना है हमारे प्रोग्राम में तो हम डेट एंड टाइम फंक्शन का यहाँ पे डेटा टाइप का हम यूज करते हैं। इसके बाद है डेट एंड डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पीएल एसक्यूएल न्यूमरिक डेटा टाइप में कौन से डेटा टाइप आते हैं वो अब पढ़ेंगे हम, जो कि पहला सेक्शन था हमारा न्यूमरिक, उसमें कौन से डेटा टाइप आते हैं इसके अंडर में। उसमें आता है पीएलएस इंटीजर, बाइनरी इंटीजर, बाइनरी फ्लोट, बाइनरी डबल नंबर, पीआरसी स्केल। तो ये पांच डेटा टाइप हमारे नंबर न्यूमरिक में आते हैं। इसकी जो रेंज दी गई है ये यहाँ पे मेंशन की है, -2147483 से 648 से लेकर 2147483647 तक इसकी रेंज है, और इसका जो 32 बिट्स का इसका साइज है। तो इस तरीके से यहाँ पे पीएल इंटीजर, बाइनरी इंटीजर, बाइनरी फ्लोट, बाइनरी डबल एंड न्यूमरिक नंबर, ये डेटा टाइप अंडर में आते हैं न्यूमरिक के। नेक्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप के अंडर में कौन से आते हैं वो देखेंगे। तो कैरेक्टर डेटा टाइप के अंडर में आते हैं कैर, फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग विद मैक्सिमम साइज 32767 बाइट्स तक आती है इसकी साइज, जिसका नाम है कैर। उसके बाद है वैर कैर टू, वैर कैर वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग विद मैक्सिमम साइज 32767 बाइट्स। वेरिएबल लेंथ जब हमें कोई डिक्लेयर करना होता है तो हम वैर कैर उसको डेटा टाइप असाइन करते हैं। उसके बाद रॉ, वेरिएबल लेंथ बाइनरी और बाइट्स स्ट्रिंग विद मैक्सिमम साइज 32767 बाइट्स नॉट इंटरप्रिटेड बाय द पीएल एसक्यूएल। उसके बाद है लॉन्ग, वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग विद मैक्सिमम साइज 32760 बाइट। ये नेक्स्ट है लॉन्ग वेरिएबल, अगर यूज कर रहे हैं तो हम लॉन्ग को मेंशन कर सकते हैं। लॉन्ग रो, रॉ वेरिएबल लेंथ बाइनरी और बाइट स्ट्रिंग विद मैक्सिमम साइज 32760 बाइट नॉट इंटरप्रिटेड बाय द पीएल एसक्यूएल। तो इस तरीके से हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप है कैर, वैर कैर टू, रॉ, लॉन्ग, लॉन्ग रॉ। तो इस तरीके से हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप हमने यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट है बुलियन डेटा टाइप। अब बुलियन डेटा टाइप में कौन से आते हैं वो देखते हैं। बुलियन डेटा टाइप स्टोर लॉजिकल वैल्यू दैट आर यूज इन द लॉजिकल ऑपरेशन, द लॉजिकल वैल्यू आर बुलियन। जब भी हमें कोई लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करना होता है या लॉजिकल वैल्यू के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं, जिसमें कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू हमें मिलती है एंड नल वैल्यू मिलती है। यानी हमें इस एक्सप्रेशन से क्या मिलती है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू, तभी जाके हम बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस यूनिट में एडवांटेजेस ऑफ पीएल एसक्यूएल पढ़े, पीएल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर पढ़ा, पीएल एसक्यूएल डेटा टाइप्स हमने पढ़े, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स हमने पढ़े कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो फॉलोइंग पीओज आर मैप, पीओ वन बेसिक नॉलेज हमारा यहाँ से क्लियर हुआ है, पीओ टू डिसिप्लिन नॉलेज, पीओ थ्री एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस, पीओ फोर इंजीनियरिंग टूल्स, पीओ एट इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, पीओ नाइन कम्युनिकेशन, पीओ टेन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you.